बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूथ एजुकेशनल चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़माना कामिल जारी। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। दोस्तों, हम सबसे पहले इस ज़मान की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। दिस टेंस शोज सच एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। इसकी उर्दू में डेफिनेशन होगी, ये ज़मान ऐसा काम दिखाता है जो बीते हुए वक्त में शुरू हुआ हो और अभी तक हाल में जारी हो। तो ये बात क्लियर हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा ज़मान है जो ऐसा काम दिखाता है जो बीते हुए वक्त में, गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ हो और अभी तक हाल में जारी हो। उसका मिसाल ये है, एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। मैं 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने अंग्रेजी पढ़ाना 2006 में शुरू किया और अभी 2021 चल रहा है, मतलब मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। या हम ऐसे कहते हैं कि मैं 2015 से स्कूल चला रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग अ स्कूल सिंस 2015। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा टेंस है जो एक ही काम दिखाता है जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हुआ हो। इमरान खान का एग्जाम्पल आपके सामने, इमरान खान 2018 से हुकूमत चला रहा है, मतलब 2018 में उसने इलेक्शन जीती और अभी तक वो गवर्नमेंट को चला रहा है, पाकिस्तान को चला रहा है। इमरान खान हैज बीन रनिंग पाकिस्तान आर रनिंग अ गवर्नमेंट सिंस 2018। ओके दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब हम चलते परमिशन की तरफ। परमिशन क्या है? सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हम हैव बीन रखेंगे या हैज बीन रखेंगे। इस ज़माने के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितने? 2, एक हैज बीन, दूसरा हैव बीन। आप लोगों को पता है कि हैज किसके साथ इस्तेमाल करें होती है और हैव किसके साथ। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का इस्तेमाल सीखा है, इसमें सिर्फ बीन ऐड होगी। हैज बीन, हैव बीन और हैव बीन, ठीक है। अब सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हैव बीन, हैज बीन, फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रखेंगे। फोर्थ फॉर्म आप लोगों को बताया गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ इंक फॉर्म जब हम डालेंगे तो फोर्थ फॉर्म बनेगी। जैसे ईट का होगा ईटिंग, रीड का रीडिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, गो का गोइंग, कम का कमिंग, टॉक का टॉकिंग, लर्न का लर्निंग, स्पीक का स्पीकिंग, ठीक है, वॉच का वॉचिंग, राइट का राइटिंग एंड सो ऑन। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के बाद में, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम एक ये एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ सिंस और फॉर के बारे में। अकबर सब्जेक्ट है, हैव बीन वर्किंग, अकबर हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर। अकबर यहाँ पर 5 सालों से काम कर रहा है, मतलब अकबर ने 5 साल पहले यहाँ काम करना शुरू किया और अभी तक कर रहा है। अकबर हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स। यहाँ हम ऐसे कहें, अकबर 2016 से यहाँ पर काम कर रहा है। अकबर हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, ठीक है दोस्तों। ये सारा परमिशन था। उसके बाद भी ऐसे तो फार ने एक नई चीज है आपके सामने, अब इनको हम मेंशन करेंगे ये सेंस किसके साथ इस्तेमाल होती है और फार किसके साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है दोस्तों। यूज ऑफ सेंस मुकर्रर वक्त के लिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई चीज दी ऑलरेडी मेंशन होती है, जैसे खुदा की तरफ से या लोगों की तरफ से मुकर्रर की होती है या कुदरत की तरफ मुकर्रर होती है, हम उसके लिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मॉर्निंग, सुबह,
इवनिंग शाम नाइट रात, ये नुक्र रखते हैं और ये रोज आती है। इनके साथ हम सिंक्स लगाएंगे, जैसे वो सुबह से नाश्ता तैयार कर रही है, शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, सिंक्स मॉर्निंग लगाएंगे, ठीक है। बच्चे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, नाइट को वो रात से दूध पी रहे हैं, दे हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस नाइट, ठीक है। तो ऐसे आएंगे मंडे, नेम्स ऑफ डेज, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वगैरह, इनके साथ में हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मंडे से यहाँ घूमे जाएंगे, मंडे को पीर, हम पीर से खत लिख रहे हैं, हम पीर से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। ये सारा हो गया नेम्स ऑफ डेज, या नेम्स ऑफ मंथ होते हैं उनके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। दोस्तों वो जनवरी से अमेरिका में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस जनवरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये जो सालों के नाम होते हैं, नेम्स ऑफ इयर्स, 2001, 2003, 4, 6, 7, 2020, इनसे भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। मैं 2006 से सख्त मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क सिंस 2006, या मैं 2006 के 6 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। ये सारे हो गए। फिर जो क्लॉक होते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये भी एक नुक्कड़ रखते हैं, इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेमुना 7 बजे से नहा रही है, ठीक है, या मेमुना 7 बजे से ब्रश कर रही है, मेमुना हैज बीन ब्रशिंग हर टीथ सिंस 7 o'clock। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑफ यूज ऑफ सिंस, ये सिंस का इस्तेमाल था। अब हम यूज ऑफ कार पढ़ेंगे, कार किसके साथ इस्तेमाल होता है, यू में आप की कार जो है आर अनफिक्स्ड टाइम, जो गैर मुकर्रर वक्त होता है ना, जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, हम उनके साथ कार लगाते हैं गैर मुकर्रर वक्त के लिए। मसलन 2 days, 5 days, 10 days, इनके साथ हम फार लगाते हैं। और 2 दिन से नौकरी की तलाश कर रही है, शी हैज बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 days, हम 5 दिनों से नारे लगा रहे हैं, वी हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स, वी हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 5 days। 10 दिन, ये हो गया 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10, 11, 15, 16, 40, 50 दिन, इन सब के साथ हम पार लगाते हैं। अब हम आएंगे 2 o'clock, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, इनके साथ भी हम पार लगाते हैं। जैसे कि अली 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा है, अली हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, ठीक है। बच्चे 4 घंटों से टीवी देख रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 hours, ठीक है दोस्तों। और मंथ, जब हम मंथ की बात करें या सालों की बात करें, 1 साल, 2 साल, या मिनटों की, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ये गैर मुकर्रर रखते हैं, इनके साथ में फार इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत सारी एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताऊं कि वो अरबिक, वो एक माह से अरबिक पे लेक्चर दे रही है, अरबी जबान पर लेक्चर दे रही है, शी हैज बीन डिलीवरिंग लेक्चर ऑन अरबिक फॉर 1 month, ठीक है। और वो 3 महीनों से कंप्यूटर सीख रहे हैं, दे हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 3 months, ये हो गया 6 साल, 15 साल, 20 साल, ये भी दिए।
हम 20 साल से इल्म हासिल कर रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन गेटिंग नॉलेज फॉर 20 इयर्स। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन में तो डिटेल में दे रहा हूँ, अपने तरीके से हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी हम, और उसके बाद में जो है फॉर्मेशन के बाद में हमने ये पढ़ा सिंस कहाँ इस्तेमाल होती है और फॉर कहाँ इस्तेमाल होती है। दोस्तों हम अब इसके बाद में कंजुगेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ओके दोस्तों अब हम कंजुगेशन पढ़ेंगे। आई हैव बीन मेकिंग स्पीच फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से तकरीर कर रहा हूँ। We have been using Facebook since 2010. हम Facebook 2010 से इस्तेमाल कर रहे हैं। You have been waiting for Assam since 3 o'clock. आप असम का 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं। He has been breaking rules for some days. वो कुछ दिनों से कायदे कानून तोड़ रहे हैं। वो कुछ दिनों से कानून तोड़ रहा है। 10 मिनटों से मजमून लिख रही है। दोस्तों ये कंजुगेशन हो गया। कंजुगेशन में ये बात क्लियर है, आई के साथ हम हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ भी हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। बाकी ही, शी, इट और सिमिलर नेम के साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दे के साथ हैव बीन। हमने फिलहाल 5 जुमले लिखे, बाकी आप लोगों को समझने चाहिए। शी के बाद मीट आता है। इट हैज बीन शेकिंग सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद इसके बाद फिर नाम आता है कि जुबैर 5 मिनटों से मुझे सुन रहा है। Zubair has been listening to me for 5 minutes. वो 10 मिनटों से बाहर खेल रहे हैं। They have been playing outside for 10 minutes. ठीक है दोस्तों, I hope you understood the conjugation. अब हम negative पढ़ेंगे, interrogative negative. ठीक है दोस्तों, I hope you have understood my lecture. Negative. She has not been writing an essay for 10 minutes. वो 10 मिनटों से एक मज़मून नहीं लिख रही। इसमें has been और have been के बीच में not हम लगाएंगे, फिर ये नकारी हो जाएगा, मुनफी हो जाएगा। सवाल यह, have you been waiting for Assam since 3 o'clock? क्या आप असम का 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं? सवाल ये कैसे होता है, जो has होती है, जहाँ have होती है वो पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम been रखेंगे, लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब सवाल यह और मत मांगों की, हैव वी नॉट बीन यूजिंग फेसबुक सिंस 2010? क्या हम 2010 से फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? दोस्तों ये थे हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब हमने लेक्चर नंबर ये 13 था, ये हमने पूरा कर लिया अल्लाह के फजल और करम से। अब हम कल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, वो लेक्चर नंबर 14 होगा। हमने आज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल पढ़े, फॉर्मेशन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद में कंजुगेशन पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और यूज ऑफ सिंस एंड फॉर पढ़ा। मेरे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।